हेयर पैक जो जिस जो आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको पार्क में मिल जाएगा या किसी के घर पे आपको प्लांट्स में मिल जाएंगे, लेकिन पार्क में किसी भी पार्क में आपको इजीली अवेलेबल होता है, वो कहीं पे भी ऐसे भी उग जाता है। फ्रेंड्स, भृंगराज क्या करता है आपके बालों के लिए? आपके बालों के लिए बिल्कुल वरदान है ये भृंगराज, जिससे आपके बाल अगर ग्रे शेयर हैं, प्रीमेच्योर ग्रे शेयर हैं, वाइट हेयर हैं आपके, तो बिल्कुल जड़ से ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है आपका। आप अगर इसे यूज़ करें तो आपका जो जड़ से ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है, और ये एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल भी है, जिससे आपके बालों पे कोई भी फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उसकी वजह से ही आपके बालों पे डैंड्रफ होते हैं, तो डैंड्रफ को भी नहीं आने देगा, डैंड्रफ को भी क्योर करेगा, और साथ ही आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। आपके बाल में जितने भी प्रॉब्लम है ना, स्कैल्प की जितने भी प्रॉब्लम है, वो सभी की सभी दूर करेगा। आपकी जो हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। हेयर ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेगा? क्योंकि यह जो भृंगराज है वो आपके बालों के, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको इंक्रीज करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, इसकी वजह से आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। आज हम जानेंगे जो हेयर पैक है इसको कैसे यूज़ करना है, और ये भृंगराज होता क्या है, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आपसे बहुत बहुत सारा रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये भृंगराज को। फ्रेंड्स, मैं इसे पार्क में से तोड़ रही हूँ। अगर आपके पास बहुत सारे हों तो आप जड़ से तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ऊपर से तोड़ें। तो फ्रेंड्स, ये है भृंगराज। भृंगराज आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखे होंगे, कई सारे शैम्पूस में होते हैं, कंडीशनर में होता है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके बालों के लिए। आपके बालों को काला घना करती है, आपके जड़ से बालों को काला करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, और हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। अगर आपके डैंड्रफ है, डैंड्रफ रिमूव करेगी, और अगर आपके बाल पैचेस हो गए हैं वहाँ पर बिल्कुल जड़ से आपके न्यू बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, बेबी हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है, और ये आपके ये जो फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स से आप पहचान सकते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं फ्लावर्स, इस फ्लावर से आप इस पौधे को पहचान सकते हैं। और इसे मैंने कुछ पौधे लिए हैं मैंने ये जड़ के साथ लिए हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा पौधा ही बेनिफिशियल है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे ना हो तो आप जड़ से ना निकालें, उसे और ग्रो होने दें। देखिए फ्रेंड्स, इसे बहुत ही अच्छे से 3 से 4 पानी से हमने वॉश कर लिया अच्छे से, और वॉश करने के बाद इसे ब्लेंड करना है हमें। आप चाहे मिक्सर में ब्लेंड कर सकते हैं, सिलवट्टे पे पीस सकते हैं, बस आपको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है जो आपके बालों में अच्छे से लग जाए, अप्लाई हो जाए। सब कुछ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी जड़ें, इसके पत्ते, फूल, हर चीज़, आपको जो भी चीज़ मिल जाए वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको इजीली किसी भी पार्क में मिल जाता है। ये ऐसे भी उग जाता है कहीं पे भी, नहीं तो आप इसका पौधा भी लगा सकते हैं घर में, ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। चलिए इसे हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये कितना ब्लैक हो गया है इसको पीसते हुए, और मेरी मम्मी के हाथ भी ब्लैक हो गए हैं पीसते हुए। देखिए फ्रेंड्स, ये पीस के बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे डायरेक्ट लगाने से थोड़ा मैसे हो जाता है, मेरे टॉप सीक्रेट मेथड से हेयर वॉश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है, इसलिए आप इसे छान के फिल्टर करके भी लगा सकते हैं कॉटन बॉल से, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आपने अच्छे से अपने पूरे जड़ों पर लगाना है, पूरे स्कैल्प में लगाना है, और जहाँ जहाँ अगर आपके वाइट ग्रे हेयर हैं वहाँ बिल्कुल अच्छे से लगाना है आपने, क्योंकि आपके पूरे जड़ से नेचुरली ब्लैक कर देगा आपके बालों को। एक डाई का काम करता है ये, नेचुरली ड्राई का काम करता है, इसने आपने अच्छे से लगाना है, इसे पूरे स्कैल्प में लग जाए, उसके बाद आपने पूरे हेयर लेंथ पे लगाना है, अगर बच जाए तो हेयर लेंथ पे लगाना है।
तो मैं इसे थोड़ा आपके सामने अप्लाई कर रही हूँ और बाकी मैं किसी की हेल्प से इसे पूरे हेयर पे अप्लाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से लगवा लिया है हेयर पे भी, पूरे अच्छे से स्कैल्प में एंड हेयर लेंथ पे भी। आपको लग रहा होगा कि मैंने डाई लगा रखा है क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक है, ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक, और मेरे हैंड भी ब्लैक हो गए हैं और मेरी मम्मी के भी पूरे हैंड ब्लैक हो गए हैं। तो इसे आपने रखना है कितनी देर, इसे आपने 1.5 से 2 घंटे तक आपने इसे ऐसे रहने देना है। देन आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से या आप जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं उससे आपने हेयर वॉश करना है। और ये रेमेडी आपने वीक में 3 टाइम यूज़ करना है। आपने 3 टाइम अप्लाई कर लिया, 3 टाइम अप्लाई करेंगे आप तो आपको 2 वीक्स के अंदर ही आपके रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा, और ये हेयर वॉश करने के बाद, इसे मैंने हेयर वॉश किया है जो 1.5 से 2 घंटे मैंने आपको बताया, 1.5 से 2 घंटे के बाद आपने हेयर वॉश करना है किसी भी शैम्पू से जो रेगुलर शैम्पू है आपका। और हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल सॉफ्ट भी हो जाते हैं, ये मुझे नहीं पता था लेकिन जब इसे अप्लाई किया मैंने तो ये पता चला कि आपके बाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट भी फील होते हैं आपके, और जहाँ आपके अगर ग्रेश वाइटिश हेयर हैं वो भी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपने कब कब अप्लाई करना है मैं अब आपको ये बता देती हूँ। आपने ये वीक में हफ्ते में 3 बार अप्लाई करना है, 3 दिन अप्लाई करना है, कोई भी दिन आप ले सकते हैं, 3 दिन आपने ये अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आप जो 2 वीक्स आपने कंटिन्यूसली इसे यूज़ कर लिया ना, तो आपको 2nd वीक से ही पता चल जाएगा इसके जो डिफरेंस है, यू विल सी द डिफरेंस इन 2nd वीक। आपको 2nd वीक में ही इसका जो डिफरेंस है वो फील होने लग जाएगा, आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा, इतना अच्छा है। जितने भी आपके बालों की प्रॉब्लम है ना, डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, या हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, या वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, आपको 2nd वीक से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे वीक्स के लिए, ज़रूर यूज़ करें, आपके बालों पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ही बेनिफिशियल है ये, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है ये, आप इसमें कोई केमिकल तो होता नहीं, आपको पता ही नेचुरल चीज़ है, हम नेचुरल चीज़ को ही लगा रहे हैं अपने बालों में, और अगर नेचुरल चीज़ आपने लगाया बालों में तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपके बालों पर सिर्फ ये बेनिफिट्स ही देने वाला है। तो फ्रेंड्स ये पैक ज़रूर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या रिजल्ट आया है, कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भी ज़रूर कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो भी ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं, कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या अच्छी लग रही है चीज़ें, क्या नहीं लग रही है, सब कुछ बताएं, और रिजल्ट भी ज़रूर शेयर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन होता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियो होगी, वीडियो अपलोड करूंगी या कोई भी अपडेट्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ, टिल देन।